हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल फैक्ट बाय विशाली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड क्लास ट्वेल्थ तो चलिए देखते हैं अब इसमें नया टॉपिक है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पहले फ्यूल के बारे में देख लेते हैं कि वो है क्या ठीक है सो अबाउट हेनरी फियोल इनका न ना पूरा नाम हैनरी फ्योल हन्री फ्योल एटीन फोर्टी वन टू नाइनटीन ट्वेंटी फाइव डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड जॉइन फ्रेंच माइनिंग कंपनी इन 1860 सिक्सटी एज एन इंजीनियर वो बताते हैं कि हेनरी फ्योल ने डिग्री ली थी किस में माइनिंग इंजीनियरिंग में और एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी जॉइन कर ली थी कब एटीन में एक एज अ इंजीनियर के तौर पे he rose to the position of managing director in 1988 और उनके hard work को देखते हुए उन्हें managing director बना दिया गया कब 1988 में when the when the company was on the verge of a bankruptcy वो बताते हैं कि उस टाइम पर उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था जब कंपनी बहुत बुरी कंडीशन में थी यानी कि लॉस में चल रही थी कभी भी वो बर्बाद हो सकती थी कभी भी उसका दिवालिया निकल सकता था ठीक है एक ऐसी ख़राब कंडीशन में एक ऐसी लॉस्ड कंडीशन में उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड बाई यूजिंग रिच एंड ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ही टर्नड द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया उन्होंने मना नहीं करा कि नहीं भाई ये कंपनी बर्बाद हो चुकी है क्यों मैं इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनूँ नहीं उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बाई यूजिंग रिच एंड ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने एक अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उनके पास काफ़ी अच्छा खासा था तो ही टर्न द फॉर्च्यून ऑफ द कंपनी तो उन्होंने उस दिवालिया कंपनी को जो बर्बाद हो चुकी थी खराब होने की कगार में थी ठीक है बंद होने की कगार पे थी उस कंपनी को क्या करा उन्होंने दोबारा से इस्टाब्लिश कर दिया एक अच्छे लेवल में उसको ले आए एक अच्छी स्टेज में वो वापस से उसको लेकर आ गए फॉर हिज़ कंट्रीब्यूशन ही इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ़ जनरल मैनेजमेंट और यही सब देखते हुए यही उनका हार्डवर्क देखते हुए कि एक लॉज कंपनी को भी उन्होंने ऊँचाइयों पर बढ़ा दिया ठीक है तो उनका ये कंट्रीब्यूशन देखते हुए उन्हें वेल well नोन क्या माना गया फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट तो उन्हें फ़ादर माना गया किसका जनरल मैनेजमेंट का सो ही इज़ द हानरी फ्यूल आप देख लेते हैं हानरी फ्यूल की 14 principles of management First is division of authority, uh, sorry, division of work, authority, discipline, unity of command, unity of direction, interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability, initiative, and spirit the corps. Take these are some of the fourteen principles of management. ठीक है अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं देखिए फर्स्ट आ जाते हैं डिवीजन ऑफ वर्क अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है वर्क इज़ डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क और जॉब एंड ईच वर्क इज़ डन बाय अ ट्रेनड स्पेशलिस्ट व्हिच लीड्स टू अ ग्रेटर एफिशिएंसी स्पेशलाइजेशन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड रिडक्शन ऑफ अननेसरी वेस्टेज एंड मूवमेंट देखिए पहले से क्या होता था कोई भी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते थे और सभी एक साथ एक ही डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह का काम कर रहे होते थे इससे क्या होता था बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती थी रश हो जाता था वेस्टेज होता था ठीक है एक प्रोडक्टिविटी निकल करके नहीं आती थी यानी कि स्पेसिफिक काम जो चाहिए होता था एक बेस्ट क्वालिटी का वो निकल करके नहीं आता था क्यों क्योंकि बहुत ज़्यादा खिचड़ पिचिर हो रही है ठीक है अब जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आप स्कूल में हैं राइट right? अब जैसे आप कॉमर्स के टीचर सॉरी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं अगर मान लीजिए एक ही टीचर आपको अकाउंट्स भी पढ़ाए बिजनेस भी पढ़ाए इकोनॉमिक्स भी पढ़ाए इंग्लिश भी पढ़ाए फिजिकल भी आईपी भी सब एक ही जना पढ़ा रहा है तो क्या होगा टीचर को भी समझ में नहीं आएगा कि वो कौन सा टॉपिक कि, कितने दिन में कौन सा किस क्लास में पढ़ाने वाला है ठीक है और एक प्रॉपर क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी निकल कर के नहीं आएगी मतलब वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा क्यों क्योंकि वो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ठीक है लेकिन अगर आपका हर टीचर स्पेशलाइज होगा उस अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मान लीजिए आपका बिज़नेस का टीचर है जो सिर्फ बिजनेस पढ़ा रहा है अकाउंट्स का टीचर है जो सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा रहा है इकोनॉमिक्स का टीचर है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है तो वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर ही ध्यान दिखेगा देगा और एक अच्छी सी प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी प्रोडक्टिविटी मीन्स रिजल्ट निकल करके आएगा तो यहाँ पर भी कह रहा है डिवीजन ऑफ वर्क आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी अपने बिजनेस में क्या करिए छोटे छोटे काम को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए हर जॉब को छोटे छोटे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दीजिए और उन डिपार्टमेंट में स्पेशल ट्रेनड एम्प्लॉइज़ को रखिए जिस जिसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी हो वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो और एक अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल कर आए और जितना भी वेस्टेज है वो कम हो ठीक है और अननेसेसरी मूवमेंट ना हो ठीक है तो जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट में जो परचेज डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज्ड है या ट्रेन पीपल हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को रखा जाए सेल्स डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी स्पेशलाइज्ड हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट में रखे जाएँ तो इससे क्या होगा एक अच्छी प्रोडक्टिविटी एक अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा second is authority and responsibility abdi ki authority and responsibility means authority means power to take decisions and responsibility means obligation to complete the job assigned on time अथॉरिटी क्या है एक ऐसी पावर जहाँ पर आपको डिसीजंस लेने का अधिकार मिल जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक ऐसी ऑब्लिगेशन जहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है एक जॉब असाइंड किया जा रहा है यानी कि कोई काम आपको दिया जा रहा है और आप उसको सही समय पर कर रही हैं समझ रहे हो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं अथॉरिटी अलग है रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है अथॉरिटी यानी कि आपके हाथ में पावर है आप उसे अपने हिसाब से काम कर रहे हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एक जिम्मेदारी है जो आपको किसी ने दे रखी है और आपको वो पूरी करनी है समझ आई अब देखो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सबिलिटी दोनों ही हाथों हाथ काम होने हैं ठीक है दोनों ही चीज़ें होनी है पूरी मेनली मेर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज सिमिलरली गिविंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक हिम एरोगेंट एंड देयर इज फेयर ऑफ मिस यूज ऑफ पावर क्या कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी अगर आपने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दे दूँ लेकिन आपको कोई अथॉरिटी नहीं दे रही हूँ मतलब Uh, मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि आपने इन दस लोगों को ट्रेंड करना है आपको अपनी कंपनी में मैं आपके अंडर दस एम्प्लॉज़ दे रही हूँ और आपने इसे ट्रेंड करना है ठीक है मैंने आपको क्या दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली लेकिन उसके साथ में आपको कोई भी अथॉरिटी नहीं दे रही हूँ अगर आप कहो कि नहीं मैं इनको बाहर ले जाके ट्रेनिंग दूँ मैं कहूँगी नहीं आप मुझसे पूछ के करो आपने जो भी ट्रेनिंग देनी है पहले मुझसे पूछोगे फिर करोगे तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन मैं उन्हें कोई अथॉरिटी यानी कि कोई पावर नहीं दे रही हूँ तो क्या होगा कि जिसे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो क्या करेगा उसका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा काम करने में क्यों क्योंकि उसे पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रही लेकिन कोई भी पावर नहीं दी जा रही है सब कुछ पूछ करके मुझे करना है तो वहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे ठीक है फिर सिमिलरली अगर हम अथॉरिटी की बात करें अगर मान लीजिए मैं आपको अथॉरिटी दे दूं कि हाँ भाई आप अपनी इन दस लोगों को ट्रेंड करो और आपकी अथॉरिटी है आपके आपकी पावर है आप जैसे चाहे वैसे काम करो तो यहाँ पर क्या होगा कई बार आप एरोगेंट हो जाओगे वो जो दस लोगों को आपने ट्रेनिंग देनी है उनके आगे, आगे आप एरोगेंट हो जाओगे घमंडी हो सकते हो या अपनी पावर का मिस कर सकते हो किसी को भी निकाल दिया किसी को भी रख दिया ठीक है किसी के साथ भी मिसबिहेव uh, कर दिया क्यों क्योंकि आपको तो पता है आपके आपके ऊपर कहने वाला आपसे कोई नहीं है क्यों क्योंकि आपको तो पूरी अथॉरिटी दे दी है तो अथॉरिटी वो है जहाँ पर आपको पूरी पावर मिल जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है जहाँ पर आपको जिम्मेदारी मिल रही है लेकिन आपको कोई भी पावर नहीं दी जाती है ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं डिसिप्लिन अब डिसिप्लिन क्या है इट इज़ द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बाय द सबऑर्डिनेट डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल्स क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट एंड जुडिजियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज डिसिप्लिन आपको पता है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स किसको फॉलो करने होते हैं सब को यानी कि एम्प्लॉज़ को जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कंपनी के वो सब फॉलो करने होते हैं डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइज़र डिसिप्लिन क्या बनाता है क्या मांगता है एक अच्छा सुपरवाइज़र जो हर लेवल में काम कर सके क्लियर हो और फेयर अग्रीमेंट करे यानी कि हर किसी के साथ फेयरली रहे जुडिश एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज़ और अगर गलती करे तो जो भी पेनाल्टी पड़नी चाहिए वो सारी ही पेनाल्टी आप पर पड़ेगी ये नहीं कि आप उसके रिलेटिव हो तो आपको छोड़ दिया ऐसा नहीं ठीक है डिसिप्लिन हर किसी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे और आप उसे फेयरली फॉलो करोगे ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड क्या है भाई इट एम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन कन्फ्लिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी डिस्टर्बेंस एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा है कि इट एम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर कह रहा है कि अगर एक ही सुपीरियर हर किसी वर्कर्स को क्या कर रहा है इंस्ट्रक्शंस uh, दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है ठीक है तब तो ठीक है अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन मान लीजिए कि आम, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जैसे कि मान लीजिए आपका स्कूल है ठीक है आपके स्कूल में आपकी क्लास में कोई नोटिस आया ठीक है एक टीचर आया एक टीचर ने वो नोटिस आपको बता दिया फिर दूसरा टीचर आया उसने उस नोटिस को अलग तरीके से बता दिया फिर तीसरा टीचर आया उस टीचर ने उस नोटिस को अलग तरीके से बता दिया अब हर टीचर आकर उस नोटिस को अलग अलग मतलब बताएगा तो क्या होगा आप क्या हो जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्स पैदा हो जाएंगे या डिस्टरबेंस हो सकता है या कोई भी ओवरलैपिंग गलत एक्टिविटीज़ हो सकती हैं ठीक है लेकिन मान लीजिए आपका क्लास टीचर है आपकी क्लास टीचर ने वो नोटिस आपको क्लियरली बता दिया ठीक है आप सबको बता दिया तो वहाँ पर क्या होगे आप वैसे ही उसी तरीके से उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि एक सुपीरियर होना चाहिए और वही सारे इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर अपने वर्कर्स को दे जिससे कि क्या है कोई भी कंफ्यूजन कन्फ्लिक्ट या डिस्ट डिस्टर्बेंस या ओवरलैपिंग ना हो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैड और वन प्लान दिस इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कॉर्डिनेशन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कह रहा है कि हर ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्ट हर ग्रुप एक्टिविटी का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वन हैड और वन प्लान यानी कि एक ही हैड होगा उनका और एक ही प्लान होगा जिसे सबको क्या करना है पूरा करना है दिस इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन और ये क्या इंश्योर करेगा कि आपका काम और आपका कोऑर्डिनेशन क्या हो सही हो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया इससे पहले कि एक ही आपका हेड है और एक ही आपका प्लान है आपको पता है कि हमारा ये टारगेट है कंपनी का हमें ये पूरा करना है हमारे बॉस ने हमें ये बोला है तो सबको एक जैसा बोला है तो सब लोग मिलजुल कर एक साथ काम करेंगे और पूरी कोआर्डिनेशन के साथ करेंगे लेकिन मान लीजिए कंपनी में अगर पचास एम्प्लॉयज़ हैं पचास में से पच्चीस लोगों को अलग बोल दिया दस लोगों को अलग बोल दिया पंद्रह लोगों को अलग बोल दिया ठीक है तो इससे क्या होगा कन्फ्यूजन पैदा होगा वो कहेगा नहीं भाई हमें तो ग्यारह टास्क दिया था वो कहेगा नहीं हमें ग्यारह टास्क दिया है तो सब एक दूसरे के आगे पीछे लगे रहेंगे और काम पूरा नहीं हो पाएगा तो कह रहा है कि एक ही हेड हो एक ही सुपीरियर हो और एक ही प्लान हो ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर मिल करके उस काम को करें और पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ करें नेक्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या कह रहा है देखिए द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल इंप्लाईज कह रहा है कि सभी एक साथ मिलकर एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मिलकर के काम करें मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है कि भाई हमारा इस साल का ये टारगेट है कि हमें इतने यूनिट्स बनानी हैं और इतने यूनिट्स पूरी करनी है तो कह रहा है कि अगर एक एक इंडिविजुअल अपना अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाए कि हाँ भई हमें इस कंपनी के इस टारगेट को इस साल पूरा करके दिखाना है तो क्वाइट ऑफियस है कि क्या होगा आपका जो भी टारगेट है वो पूरा हो जाएगा देखिए अगर पचास एम्प्लॉयज़ हैं पचास में से अगर दस भी ये कह दें कि नहीं ये कंपनी का टारगेट पूरा करना हमारा काम नहीं है हमें तो बस जो काम दिया जा रहा है हम वो करेंगे और सैलरी लो और चले जाओ हमारा और कोई कंपनी से लेना देना नहीं है ठीक है तो वो अगर दस लोग भी ऐसा सोचते हैं तो चालीस लोग मिल के उस टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उन दस लोगों को देख करके फिर वही चीज़ें सीखेंगे ठीक है तो कह रहा है कि हर एक बंदे ने अपना इंटरेस्ट दिखाना है कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को टारगेट को गोल को पूरा कर सके ठीक है अब देखिए डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखिए दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं फर्स्ट है मीनिंग यूनिटी ऑफ कमांड इट एम्प्लाइज दैट अ सब ऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फ्राम ओनली वन बॉस यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि जितना भी सब ऑर्डिनेट है वो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा किससे सिर्फ एक जने से एक ही बॉस होगा और वही बॉस सारे सब ऑर्डिनेट को क क्या करेगा गाइडेंस करेगा इंस्ट्रक्शन देगा या ऑर्डर्स देगा अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो इट मीन्स वन हैड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव कह रहा है सिर्फ एक ही हैड होगा एक ही प्लान होगा और उस पूरी ग्रुप की एक्टिविटी का पूरा सिमिलर एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें अपनी कंपनी को ये टारगेट अचीव करवाना है ठीक है नेचर क्या कहता है यूनिटी ऑफ कमांड में इट इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ पर्सनल्स यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड किसके लिए कर रहा है फ़ंक्शन पर्सनल के लिए और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में इट इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल कह रहा है यहाँ पर पर्सनली नहीं कर रहा है यहाँ पर फंक्शन करेगा किसके लिए डिपार्टमेंट के लिए या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है नेसेसिटी कह रहा है इट इज़ नेसेसरी फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सबॉर्डिनेट यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि जितनी भी नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे फिक्स करना हर एक बंदे का काम है हर एक सबॉर्डिनेट का, का काम है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है इट इज़ नेसेसरी फॉर साउंड ऑर्गेनाइजेशन ये नेसेसरी किसके लिए है पूरी साउंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडवांटेज की बात करें तो इट अवॉइड कन्फ्लिक्स कन्फ्यूजन एंड क्यूर्स यहाँ पर एडवांटेज फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर आपको कन्फ्लिक्स या कन्फ्यूजन या कोई भी क्यूर्स वगैरह नहीं होगा और अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ एफ़र्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्स यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होंगे यानी कि दोबारा दोबारा एफर्ट्स नहीं होंगे और वेस्टेज नहीं होगा रिसोर्सेज का रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड कहता है इट लीड्स टू बेटर सुपीरियर सब रिलेशनशिप यहाँ पर सुपीरियर और सब का रिलेशन क्या होता है स्मूथ होता है अच्छा होता है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बात करें तो इट लीड्स टू स्मूथ रनिंग ऑफ द इंटरप्राइज यहाँ पर आपका जो इंटरप्राइज़ है वो स्मूदली चलेगा ठीक है सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यानी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन So, some more principles of management are left. Take care. This principles of management we will discuss in our next video. Till then, you can see this video, see the topics. If you have any doubt, you can ask me in a comment section. Take care. And do like, share, and comment my YouTube channel. Till then, bye bye. Take care.